हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एलोवेरा फेशियल। एलोवेरा हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि एलोवेरा की ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके स्किन पे जाके आपके स्किन को लाइटन, टाइटन और ब्राइटन करता है। इस फेशियल में भी हम वैसे स्टेप करेंगे जिससे आपके फेस का क्लीनअप भी हो जाएगा और फेशियल भी बहुत अच्छा हो जाएगा गाइस, और ग्लो भी बहुत अच्छा आएगा। आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पार्लर में पैसे खर्च करने के बिल का पैसे खर्च करने के पैसे खर्च करने के बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो आप अगर पार्लर जैसा ग्लो घर पे चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस फेशियल स्टेप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इजीली आपको आपके होम इंग्रेडिएंट से ही हो जाएगा और ग्लो भी बिल्कुल पार्लर जैसा आएगा, तो पैसे क्यों खर्च करने। इससे अच्छा है कि हम घर पे ही पार्लर जैसा फिनिशिंग ले आए अपने खुद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम एलोवेरा फेशियल कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। ये 3 स्टेप में हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल 3 स्टेप हम करेंगे, क्लिनजिंग, एक्सफोलिएटिंग और नेक्स्ट जो होगा हमारा फेस पैक। तो ये 3 स्टेप में हो जाएगा और 15 डेज़ में आप इसे कर सकते हैं। एलोवेरा आपके फेस के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, तो आप इसे 15 डेज में कर सकते हैं। आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, डेफिनेटली आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर, इस वीडियो को कर देना लाइक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप जो है हमारा क्लिनजिंग का। क्लिनजिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो एलोवेरा है। अगर आपको फ्रेश लीव्स कहीं से मिलती है गाइस, तो आप फ्रेश लीव्स ही यूज़ करेंगे। एलोवेरा फेशियल का जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो है क्लिनजिंग का। तो क्लिनजिंग के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा एलोवेरा। थोड़ा सा एलोवेरा मैं अपने स्किन हाथ पे लूँगी, बस थोड़ा सा एलोवेरा चाहिए। मैंने ये ट्यूब बिल्कुल खाली कर दिया है। थोड़ा सा एलोवेरा लेंगे हम। एलोवेरा हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आप इसे डेफिनेटली एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको इसके बहुत फ़ायदे मिलेंगे। और आपको अगर फ्रेश लीव्स इसकी मिलती है तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आप फ्रेश ही इसे यूज़ करें। आप देखेंगे इंस्टेंट आपके फेस पे ग्लो देखने को ज़रूर मिलेगा। इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हम मसाज करेंगे अपने फेस पे और अपने फेस को क्लीन करेंगे। ऑल्सो गाइज, आप अपने नेक पे भी इसे यूज़ करेंगे। पाँच मिनट मसाज के बाद हम फेस को पानी से धो लेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सफोलिएटिंग का। हमारे स्किन के लिए एक्सफोलिएटिंग करना यानी कि स्क्रब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आपके फेस पे जो भी डर्ट है, जो भी डर्ट पोल्यूशन, जो भी चिपका हुआ है, तो वो आपके फेस से निकल जाएगा, इजीली वाइप ऑफ हो जाएगा। उसके लिए हमें चाहिए एक टोमेटो, हाफ टोमेटो मैंने काट लिया है, ये टोमेटो हाफ है। इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करता है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे लिटिल बिट ऑफ शुगर, थोड़ा सा चीनी लेंगे हम, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसमें आपने जो टोमेटो कट किया था उसमें हम ऐसे चीनी को डाल देंगे, ये शुगर हम इसमें ऐसे ऐड कर देंगे। और अपने स्किन पे इसमें हम थोड़ा सा अपना जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा एलोवेरा, तो एलोवेरा जेल मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल हम डाल देंगे। इसे ऐसे मिक्स कर दे, यह आपके स्किन को एक्सफोलिएट करने के साथ साथ मॉइस्चराइज भी करेगा और आपके स्किन पे जितना भी डर्ट पोल्यूशन जो भी चिपका होगा वो इजीली स्क्वीज हो जाएगा। आप टोमेटो को ऐसे स्क्वीज करते हुए हल्के हाथों से ही एक्सफोलिएटिंग करेंगे अपना। आपको अपने स्किन पे बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है, बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे करें, क्योंकि इसमें हमने यूज़ किया है शुगर। और अगर आप शुगर को थोड़ा सा क्रश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो शुगर था वो हल्का पतला था, इसकी वजह से मैंने डायरेक्ट इसे लगाया। और अच्छे से आप अपने फेस पे, आप देख सकते हैं अभी आपको मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो देखने को मिल रहा होगा, इसके इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं फ्रेंड्स हमें, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप लोग इस फेशियल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, 5 मिनट तक करेंगे हम। अब हम अपने फेस को पानी से धो लेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फेस पैक का।
फेस पैक बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे, एम्प्टी बाउल आप ले ले। उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ राइस फ्लॉर, यानी चावल का आटा। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कोरियन की ब्यूटी का जो सीक्रेट होता है वो चावल का आटा होता है, या फिर राइस वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। राइस या फिर राइस का जो पानी होता है वो हमारे स्किन को वाइटन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। डेफिनेटली आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको फ़र्क बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो हम 2 टेबल स्पून ऑफ राइस फ्लोर लेंगे। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपकी स्किन को नेचुरली पिंक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये आपके स्किन को लाइटन भी करेगा, ब्राइटन भी करेगा, और आपके स्किन पे नेचुरली एक पिंक सा ग्लो देगा। तो नेक्स्ट हम गुलाब जल इसमें ऐड कर देंगे, रोज़ वाटर हम इस पे ऐड कर देंगे, और हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। नेक्स्ट हम उसमें ये ऐड कर देंगे, अपना एलोवेरा जेल जो है उसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा एलोवेरा जेल, 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल ऐड कर देंगे। इससे हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, और आपके स्किन पे जितने भी डर्ट पोल्यूशन है वो एक्सफोलिएटिंग में तो निकल ही चुका है। अब हम इसका पैक बना के लगा लेंगे। एक ब्रश के हेल्प से हम अपने फेस पे ये पैक लगा लेंगे। इस पैक को हम अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेंगे। साथ ही हमने इसमें यूज़ किया है एलोवेरा जेल, जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। मैंने अपने पूरे फेस पे इसे लगा लिया है। अब हम इसे 20 मिनट तक रहने देंगे, उसके बाद हम अपने फेस को पानी से धो लेंगे, ठंडे पानी से, या फिर आप नॉर्मल वाटर से भी धो सकते हैं। हे गाइस, मैंने अपना फेस पानी से धो लिया है। मेरा पैक 20 मिनट के बाद मैंने अपना फेस पानी से धो लिया, और आप देख सकते हैं इंस्टेंट आपके फेस पे जो ग्लो दिखेगा, बिल्कुल आपका फेस जो है क्लीन हो जाएगा, और इंस्टेंट आपके फेस पे ग्लो दिखना शुरू हो जाएगा, तो आप देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ करना शेयर, और इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।